आज का जो टॉपिक है हमारा वो मैसेज बॉक्स के ऊपर है। मैसेज बॉक्स जैसा कि आप जानते हैं, मैसेज बॉक्स और इनपुट बॉक्स दोनों ही फंक्शन है, दोनों ही विजुअल बेसिक के इन बिल्ड फंक्शन है। मैसेज बॉक्स का यूज किया जाता है आउटपुट देने के लिए या किसी मैसेज को फोर्सफुली प्रॉम्प्ट करने के लिए, और इनपुट बॉक्स का भी यूज किया जाता है इनपुट लेने के लिए। दोनों का यूज थोड़ा अलग टाइप से किया जाता है। आप देखेंगे कि जैसा आपने किसी भी एप्लीकेशन में देखा होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ एमएस वर्ड का, आप यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन देखे होंगे, और यहाँ पर आपने कुछ फाइंड किया, आपको पता है कि इस डॉक्यूमेंट पे ओके नाम का कोई वर्ड नहीं है, तो फाइंड करने पर एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है और ये फोकस करता है, फोर्सफुली फोकस करता है। जब तक आप इस मैसेज को पढ़ के ओके पे क्लिक नहीं कर देंगे, ये सारी एक्टिविटी डिसेबल हो जाती है। देखिए पीछे कुछ भी जो है वो इनेबल नहीं है। तो इस तरीके से आपका जो डॉक्यूमेंट है या जो भी एप्लीकेशन है वो डिसेबल हो गया है। वो ये फोर्स कर रहा है कि आप इस मैसेज को पढ़िए, और पढ़ने के बाद जब आप ओके करेंगे तो ये अनलॉक होगा, उसके बाद फिर ये वर्किंग में आएगा। क्लियर है? तो फोर्सफुली किसी मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए, प्रॉम्प्ट करने के लिए मैसेज बॉक्स का यूज किया जाता है, और कई सारे एप्लीकेशंस में आपने मैसेज बॉक्स को देखा भी होगा। बट इस ऐसा मैसेज बॉक्स आप अपने विजुअल बेसिक के एप्लीकेशन में भी बना सकते हैं। इस बॉक्स को मैसेज बॉक्स कहा जाता है। इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे ये टाइटल कहलाता है, ये आपका मैसेज टेक्स्ट कहलाता है, ये आपका इसका बटन टाइप कहलाता है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है बटन टाइप कहलाता है। इसको इंफॉर्मेशन मैसेज बॉक्स बोलते हैं, ये किसी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। तो सेम ऐसा मैसेज बॉक्स आप भी बना सकते हैं अपने विजुअल बेसिक के एप्लीकेशन में। आइए देखते हैं कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। मैंने यहाँ विजुअल बेसिक ओपन किया है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर क्लिक करूँ तो एक मैसेज डिस्प्ले हो। तो जब से मैं इसमें क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं उस फंक्शन का यूज करूंगा msgbox, और मैं जो भी मैसेज दिखाना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूँ साई कॉलेज भिलाई, मैंने सिंपल लिख दिया msgbox। ये केस सेंसिटिव है इसलिए स्मॉल और कैपिटल कोई अंतर नहीं पड़ता, और ये मैंने मैसेज दे दिया। जब आप इसको रन करेंगे तो देखेंगे कि डिफॉल्ट मैसेज बॉक्स उस पर क्लिक करने पर आएगा। यहाँ पर देखिए कि मैसेज बॉक्स आया है, इसमें टाइटल में प्रोजेक्ट वन लिखा है, बटन ओके है, और ये आपका टेक्स्ट है। यहाँ पे कोई भी बटन नहीं है, जैसे आई लिखा हुआ था वैसा कुछ नहीं है, इसको डिफॉल्ट मैसेज बॉक्स बोलते हैं। अब आप चाहते हैं कि इसमें वो सारी चीजें आए तो आपको इसका सिंटेक्स फॉलो करना होगा। आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही आप मैसेज बॉक्स लिखते हैं और स्पेस देते हैं तो नीचे आपको देखिए यहाँ पर आपको उसका सिंटेक्स दे रहा है msgbox prompt। प्रॉम्प्ट में हम क्या करते हैं, वो मैसेज लिखते हैं। प्रॉम्प्ट देखिए डार्क है नीचे, यहाँ पर प्रॉम्प्ट क्या है, डार्क है, मतलब अभी हम प्रॉम्प्ट वाला हिस्सा एडिट कर रहे हैं। अब जैसे इसके बाद कॉमा लगाऊंगा तो बटन वाला हिस्सा आ जाएगा। मैंने कॉमा लगाया, अब देखिए बटन वाला डार्क हो गया, और बटन में कुछ ऑप्शन दे रहा है, इनमें से आप कुछ भी बटन ले सकते हैं। जैसे वीबी क्रिटिकल आपको दिखाई दे रहा होगा कि वीबी क्रिटिकल, और वीबी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर ले सकते हैं। क्लियर है? वीबी क्रिटिकल और वीबी इंफॉर्मेशन लेने के बाद अगला, जैसे ही आप कॉमा लगाएंगे तो आपको टाइटल दिखाई देगा। यहाँ पर टाइटल में मैंने लिखा माई टाइटल ताकि आपको समझ में आए, और उसके बाद आपका हेल्प फाइल कंटेक्स्ट, और इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें जो प्रॉम्प्ट वाला हिस्सा है ना, ये कंपलसरी है, बाकी ये वाला इसके बाद के जितने भी पार्ट हैं वो ऑप्शनल है। आप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, लिखेंगे तो आप एडिट कर सकते हैं उसको। क्लियर है? तो आप देखेंगे कि आपने यहाँ मैसेज बॉक्स के साथ तीन आर्ग्यूमेंट दिए हैं, प्रॉम्प्ट, बटन टाइप और उसका टाइटल। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देख पा रहे होंगे कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपके पास टाइटल में देख रहे होंगे कि टाइटल में यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हुआ, और यहाँ पर ये जो मैसेज बॉक्स दिख रहा है
इसमें टाइटल में क्या लिखा है, माय टाइटल, मैं आपको कोड भी दिखाता हूँ साथ साथ ताकि आपको क्लियर हो कि यहाँ देखिए मैसेज बॉक्स दिख रहा है, यहाँ माय टाइटल लिखा हुआ है क्योंकि ये टाइटल में मैंने यहाँ पे लिखा था। इनपुट जो ये प्रॉम्प्ट मैसेज है साई कॉलेज भिलाई वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और वीबी इंफॉर्मेशन जो लिया है ना, ये वीबी इंफॉर्मेशन ये आई वाला ये बटन आया, और साथ साथ इसमें एक आवाज भी आती है। अब देखिए मैं क्लिक करूंगा, सुनिएगा इसको, आपको एक आवाज सुनाई देगी। जब ये मैसेज डिस्प्ले होता है तो एक साउंड भी जनरेट करता है, तो ये साउंड भी इसमें इनबिल्ट होता है। तो वीबी इंफॉर्मेशन जो बटन टाइप है इसमें आइकन, बटन और साउंड तीनों चीज मिली हुई होती है, क्लियर। सेम ऐसा ही मैं बटन टाइप यहाँ पर और भी ले सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर इसको मिटाता हूँ। कॉमा से मिटाना जरूरी है क्योंकि जब मैं कॉमा दोबारा यहाँ पर लगाऊंगा ना, देखिए मिटा दिया मैंने कॉमा, और जब यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा ना तो अपने आप लिस्ट दे देगा कि कितने टाइप के बटन है। तो अब जैसे मैंने लिया वीबी क्रिटिकल, तो देखिए मैंने बटन जो टाइप है वो चेंज कर दिया है, वीबी क्रिटिकल ले लिया है, क्लियर। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि वीबी क्रिटिकल में कैसा साउंड आता है और कैसा आइकन आता है, साउंड सुनिएगा। तो आपको इसमें एक साउंड भी सुनाई दे रहा है, देखिए आइकन ऐसा चेंज हो गया है। तो ये वाला जो आपका आइकन है या ये बटन टाइप है किसी फैटल एरर को डिस्प्ले करने के लिए होता है, यानी कि बहुत क्रिटिकल वार्निंग देने के लिए होता है, ताकि आप इसको गौर करें। इसका साउंड भी वैसा है, इसका आइकन भी वैसा है कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। इन्फॉर्मेशन जस्ट केवल इन्फॉर्म करने के लिए होता है, उसको थोड़ा सा उसका वेट थोड़ा लाइट होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप के मैसेज बॉक्स आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा टेक्स्ट लिख देता हूँ, सेक्टर 6 भिलाई, और आप लिख सकते हैं स्ट्रीट नंबर 69, क्लियर। तो जब मैं ऐसा बड़ा टेक्स्ट लिखता हूँ तो देखिए ऐसा इसकी साइज अपने आप बढ़ती है, कम होती है, टाइटल आप ऐसा डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि मैसेज बॉक्स जो है एक फंक्शन है, इसमें मैसेज बॉक्स का जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे ही आप इसमें लिखेंगे कोई भी फंक्शन और स्पेस देंगे तो अपने आप उसका सिंटेक्स यहाँ पर दिखाता है। देखिए ये फंक्शन है इसलिए यहाँ पर आपको ऐसा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए कि विजुअल बेसिक में फंक्शन को जब भी आप ब्रैकेट लगाते हैं, आप यहाँ पर कुछ भी ब्रैकेट लगा देंगे तो ये एक वैल्यू रिटर्न करने लग जाएगा। लास्ट में मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, अब ये एक वैल्यू रिटर्न करने लग जाएगा, इसलिए एरर देगा वो इक्वल टू लगाने बोलेगा। तो आपको कुछ ना कुछ करके इसकी वैल्यू को होल्ड करना होगा, तो ऐसा एक वेरिएबल बना के उसकी वैल्यू को आपको होल्ड करना होगा। तो आप यहाँ पर मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होता हुआ देख सकते हैं। तो अगर आप ऐसा वैल्यू होल्ड नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल हम यहाँ पर लगा देते हैं क्योंकि हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो मैं ये ब्रैकेट लगा दिया। आप देखेंगे कि मैसेज बॉक्स में जो पहला वाला ऑप्शन है जिसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ये जो प्रॉम्प्ट वाला स्ट्रिंग है ये कंपलसरी होता है। बाकी इसके बाद का जो ऑप्शन है, जैसे उसका बटन, उसका टाइटल, हेल्प फाइल, ये सारी चीजें जो है वो ऑप्शनल है, यानी कि आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर वो टाइटल में क्या डिस्प्ले करेगा इसका ये वाला जो नाम है ये डिस्प्ले करने लगता है। बटन में नॉर्मल ओके दिखाता है, और यहाँ पे कोई भी इमेज और कोई भी साउंड नहीं आता, आप देख रहे होंगे कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें ऑप्शनल है। पहला पॉइंट जो है वो आपका जो प्रॉम्प्ट वाला हिस्सा है वो जो होता है वो कंपलसरी होता है। अब हम अगले पॉइंट देखेंगे मैसेज बॉक्स में कि उसमें किस किस टाइप के बटन होते हैं। तो हम यहाँ पर केवल बटन देखते हैं, तो देखेंगे आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो वीबी, अबॉर्ट, रिट्राई और इग्नोर। तो जब ये वाला बटन टाइप आप लेते हैं तो आप इसको रन करके देखेंगे कि क्या होता है। तो जब आप इसको रन करेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको रन किया है, और जब इसको आप क्लिक करेंगे तो तीन बटन आएंगे क्योंकि इसमें क्या लिखा है, देखिए वीबी, अबॉर्ट, रिट्राई और इग्नोर, तो ये तीन बटन बनेंगे। जब आप इन तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करके कोई डिसीजन ले सकते हैं। आप कभी कभी देखे होंगे रिट्राई का ऑप्शन आता है,
या इग्नोर का ऑप्शन आता है, इस तरीके से तीन बटन का कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पहला बटन टाइप था। दूसरा बटन टाइप आप देखेंगे कि वीबी एप्लीकेशन मॉडल, वीबी एप्लीकेशन मॉडल आप करेंगे तो जब इसमें क्या आउटपुट आएगा देखते हैं। ये जो नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स आ रहा था ना, वो वीबी एप्लीकेशन मॉडल का आता है और ये बैकग्राउंड को लॉक कर देता है, सब जो लॉक। इसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बटन टाइप है वो मैं बताता हूँ। पहला है वीबी इंफॉर्मेशन, इसका यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन देने के लिए। कोई भी चार पांच बटन के नाम याद रखिए, तीन चार के, और इसका एक डायग्राम भी याद रखिए। डायग्राम आप लिखेंगे, डायग्राम बना देंगे ऐसे, तो सामने वाले चेक करने वाले को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका साइंस कॉलेज सेक्टर से बिलाई लिखा है और ये बटन आ रहा है और साउंड भी आ रहा है, साउंड सुनाई दे रहा होगा आपका, साउंड सुन सकते हैं। दूसरा बटन टाइप था वीबी क्रिटिकल। तीसरा देखिए मैं लिखता हूँ वीबी यस नो, वीबी ओके कैंसल, एक और होता है ओके कैंसल। इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि दो बटन आएंगे ओके और कैंसल। तो आप डिसाइड कर सकते हैं किसी फंक्शन को आगे आगे बढ़ाना है या कैंसल करना है, क्लियर है। चौथा बटन टाइप जो आप देखेंगे इम्पोर्टेंट वाला, वीबी यस नो कर, वीबी आप देखेंगे नीचे ओके कैंसल के बाद ओके ओनली, मतलब सिंपल है। वीबी क्वेश्चन सिस्टम, वीबी यस नो, यस नो करने पर दो बटन आएगा और उसका नाम रहेगा यस और नो। वीबी क्वेश्चन कर सकते हैं आप, तो वीबी क्वेश्चन जब आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मार्क करके दिखाई देगा। ये मैसेज बॉक्स आप तब दे सकते हैं जब यूजर ने कुछ ऐसा इनपुट दिया है जो आपकी सिनारियों के बाहर है, यानी आपके जो जो पैटर्न था जिसमें इनपुट देना था उसके बाहर का पैटर्न उसने इनपुट दिया, तो आप क्वेश्चन मार्क के नाम से उसको दे सकते हैं या हेल्प के नाम से दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैसेज बॉक्स का यूज किया जाता है मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए। सेम उसी तरीके से इनपुट बॉक्स का यूज किया जाता है। अब मैं मैसेज बॉक्स मिटा के क्या लिखने वाला हूँ, इनपुट बॉक्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट बॉक्स और फंक्शन लगाता हूँ। देखिए इसमें फिर से इसका सिंटेक्स आ गया, इनपुट बॉक्स एग्जाम में ये सिंटेक्स लिखना होता है। पहला हिस्सा होता है प्रॉम्प्ट, यानी इनपुट लेना है तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्या रहेगा, एंटर योर नेम या एंटर फर्स्ट नंबर, ये हमारा प्रॉम्प्ट होगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक कॉमा है, उसके बाद टाइटल है, क्लियर है। तो इसको भी हम अभी शुरू में पहला वाला जो प्रॉम्प्ट वाला हिस्सा है ना वो बस करके देखते हैं, क्योंकि यही कंपलसरी होता है। तो अब इसको रन करते हैं तो देखते हैं कि जब मैं इसमें क्लिक करूंगा तो एक बॉक्स आया है यहाँ पर, इसमें टाइटल में क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट वन एंटर फर्स्ट नंबर, और मैं यहाँ पर एक नंबर लिखूंगा और ये नंबर को क्लिक करूंगा तो ये जो नंबर है वो कहाँ इनपुट होगा, आई में, इस आई में, क्लियर है, आई में ये नंबर चला जाएगा, क्लियर। तो अब आगे देखते हैं कि इसके सिंटेक्स में और क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर टाइटल, टाइटल में मैं लिख देता हूँ मान लीजिए साइंस कॉलेज, और उसके बाद है उसका डिफॉल्ट लोकेशन, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, हेल्प फाइल, कंटेक्स्ट, इस तरीके से ये सब ऑप्शनल है। तो हम केवल दो ही चीजें यूज करेंगे। अब मान लीजिए हमको दो नंबर का एडिशन कराना है, तो ए में इनपुट लिए, बी में इनपुट लिए, ए में इनपुट लेने के बाद वो नंबर है इसलिए इसको वैल में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये स्ट्रिंग में देता है नंबर। तो ये जो है वो एक नंबर इनपुट होगा और उसको नंबर में कन्वर्ट करके ए में दे देगा। सेम ऐसा मैं इसको कॉपी कर फिर से दो नंबर में इनपुट ले लूंगा। आप देखिए यहाँ पर मैं दो नंबर इनपुट ले लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ सेकेंड नंबर, क्लियर है। अब ये दो नंबर को इनपुट लेने के बाद मैं लिखूंगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी,
सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और मैं यहाँ पर दूसरा लिखूंगा मैसेज बॉक्स सम इक्वल टू सी। तो दो नंबर का सम हो जाएगा, पहला इनपुट बॉक्स एक इनपुट लेगा, दूसरा इनपुट बॉक्स एक इनपुट लेगा, और इन दोनों का सम होगा, और सम होने के बाद सी में जाएगा और मैसेज बॉक्स को प्रिंट कर देगा। तो बिना टेक्स्ट बॉक्स के दो नंबर का सम करेंगे हम। ऐसे में क्लिक कर रहा हूँ, देखिए क्या लिखा है, एंटर फर्स्ट नंबर, और टाइटल में लिखा है साई कॉलेज, मैं फर्स्ट नंबर दिया 12, यहाँ पे 12 लिखा, ये 12 कहाँ चला जाएगा, इस ए में, क्योंकि फर्स्ट नंबर वाला है ये। जैसे मैं ओके करूंगा, फिर देखिए फिर से मैसेज आया कि ये सेकेंड इनपुट बॉक्स का है, एंटर सेकेंड नंबर, मैं 12 के बाद यहाँ पर दिया 8, ये कहाँ जाएगा, बी में। अब यहाँ पर बी में जाने के बाद एक एरर आ गया है आपका, प्लस की वजह से आया है, अगर एंड लगाना था यहाँ पर। तो देखिए आपका आउटपुट मैसेज बॉक्स में आ रहा है 20, और मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 लिखा है, तो इसको मैं ऐसा भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पर मैं कॉमा कर दिया और वीबी इंफॉर्मेशन कर दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए आउटपुट, तो आपका आउटपुट भी बढ़िया से दिखाई देगा। ये प्रॉम्प्ट मैसेज है, ये इंफॉर्मेशन है, और ये आउटपुट लिखा हुआ टाइटल में आएगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पहला नंबर में इनपुट दिया 12, दूसरा दिया 8, तो देखिए आउटपुट में विथ साउंड मैसेज आया, यहाँ आउटपुट लिखा हुआ है, और आई लिखा हुआ है, सम इक्वल टू 20 लिखा हुआ है, ये जो 20 है इन दोनों का सम था। अब हमेशा सम 20 नहीं आएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 34, और मैं यहाँ लिखता हूँ 2, तो देखिए क्या आएगा, सम इज इक्वल टू 36। तो इस तरीके से आपने इनपुट बॉक्स और मैसेज बॉक्स को देखा, दोनों ही फंक्शन है। मैसेज बॉक्स का काम होता है फोर्सफुली किसी मैसेज को प्रॉम्प्ट करना, और इनपुट बॉक्स का काम होता है फोर्सफुली कोई डेटा को इनपुट लेना, दोनों ही फंक्शन होते हैं। इनपुट आउटपुट के लिए दोनों का यूज किया जा सकता है। इसका सिंटेक्स आपने देखा, इसमें प्रॉम्प्ट वाला जो ऑप्शन है वो कंपलसरी है, बाकी ऑप्शनल है। और मैसेज बॉक्स में कई प्रकार के बटन्स होते हैं, बटन के साथ साउंड और आइकन का कॉम्बिनेशन भी होता है। तो ये टॉपिक था आपका मैसेज बॉक्स इनपुट बॉक्स, दोनों 5-5 नंबर का शॉर्ट नोट्स में लिखने आता है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं इसमें।